दोस्तों पहले आप ये रैप देखिए। This should be played at high volume, preferably in a residential area. Yeah, yeah. It goes speakers blow. I chant home whenever the mind roams. 'Cause when I chant home is the sound designed to clear the mind. Home is the sound that's found inside my rhyme. Home is the syllable designed to transcend. Break it down slow, check the acronym. Yo, A to the U, U to the M. Listen real close as we begin. Yo, A is for almighty, awesome, amazing. U is for the universal. ये था अमेरिका के एक बेहद ही फेमस एमसी योगी का इंग्लिश रैप सॉन्ग जो बनाया गया है ओम पर, जिसका नाम है ओम। एमसी योगी के इस रैप सॉन्ग में ओम को ब्रह्मांड के सर्वशक्तिमान ऊर्जा मंत्र के रूप में दर्शाया गया है, यानी कि ब्रह्मांड की सर्वशक्तिमान अलौकिक ध्वनि के रूप में ओम को इस रैप सॉन्ग में रिप्रेजेंट किया गया है, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। उससे पहले आप ये हिंदी रैप और देखिए। आपने काले बटले शेमड़े पादरे हगरे मुदरे रे तेरे जैसे हमारे इधर पन फिर रे मेरे जैसे सोच रखने वाले ने की। ये रैप सॉन्ग था ज्यादातर इंडियन यूथ के फेवरेट रैपर एमसी स्टैन का, जिसमें भर भर के गालियां दी गई है। और एमसी स्टैन के ज्यादातर रैप सॉन्ग को आप अपने परिवार के साथ बैठकर नहीं देख सकते, क्योंकि एमसी स्टैन के ज्यादातर रैप सॉन्ग में बहुत ही गंदी भाषा का यूज किया जाता है, इसलिए आप इनके हिंदी रैप को ईयरफोन लगाकर या फिर अकेले में ही सुन सकते हो। पर दोस्तों क्या आपने कभी ये ध्यान दिया है कि क्यों इंडियन रैपर्स के द्वारा गाए गए ये डर्टी रैप इंडिया में पिछले कई सालों से धीरे धीरे पॉपुलैरिटी गेन करते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ विदेशों में ये डर्टी रैप का कल्चर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, और वहाँ के हिप हॉप कल्चर में सनातन धर्म का एंशियंट कल्चर पॉपुलर होता जा रहा है, जिसकी शानदार झलक आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगी। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर देना। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों ये है एमसी योगी, अमेरिकन नेम निकोलस क्रिश्चियन, अमेरिका का एक मोस्ट फेमस रैपर जो सन 2002 से अपने रैप के टैलेंट के माध्यम से अमेरिका और दुनिया के दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज में सनातन धर्म को गर्व से रिप्रेजेंट कर रहा है। एमसी योगी ने अपनी सिर्फ 13 साल की छोटी सी उम्र में सनातन धर्म की असीम सभ्यता और संस्कृति पर रैप लिखना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि एमसी योगी के माता पिता अमेरिका में सनातन धर्म के रीति रिवाजों को फॉलो करते थे, जिसके कारण एमसी योगी सनातन धर्म की संपन्न संस्कृति के ऊपर रैप लिखने के लिए प्रेरित हुए, जिसके बाद सन 2002 में इन्होंने हिंदू भगवानों पर बहुत ही शानदार रैप सॉन्ग रिलीज करना स्टार्ट कर दिए, जिसके पीछे एमसी योगी का सिर्फ एक ही मकसद था कि अपने रैप के माध्यम से सनातन धर्म की संपन्न संस्कृति की सकारात्मक ऊर्जा को पूरी दुनिया में फैलाना, जिससे युवा योग मेडिटेशन और सनातन धर्म के एनर्जेटिक मंत्रों का जप करने के लिए आकर्षित हो सके। इसलिए एमसी योगी ने अपने इंग्लिश रैप के माध्यम से सनातन धर्म के रिच कल्चर को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे इनके कुछ हिंदू इंग्लिश रैप सॉन्ग्स के नाम है रॉक ऑन हनुमान, रिचुअल मिस्टिकल, गणेश इज फ्रेश, कृष्णा लव, शिवा, जय सीताराम, हट सूत्रा, गणेश, ग्रेस और ओम, जिसमें इन्होंने ओम को सर्वशक्तिमान अलौकिक ध्वनि के रूप में रिप्रेजेंट किया है, यानी कि इंग्लिश रैप के जरिए ओम की एक बेहद ही शानदार व्याख्या, जिसको सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। और ऐसे ही इनके बहुत सारे रैप सॉन्ग्स हैं, जिनमें हिप हॉप स्टाइल में एमसी योगी ने सनातन धर्म की संस्कृति को गर्व से रिप्रेजेंट किया है। और दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एमसी योगी महात्मा गांधी जी से भी काफी ज्यादा इंस्पायर है, जिसका सबूत आपको इन्हीं के रैप सॉन्ग में मिलेगा, यानी कि इन्होंने गांधी जी के जीवन पर भी एक बेहद ही शानदार रैप सॉन्ग बनाया हुआ है। इस सॉन्ग का नाम है एमसी योगी बी द चेंज द स्टोरी ऑफ द महात्मा गांधी, जिसको आप यूट्यूब पर भी सुन सकते हो। दोस्तों एमसी योगी ने गांधी जी के जीवन पर ये रैप सॉन्ग 2 अक्टूबर सन 2012 में गांधी जयंती के दिन रिलीज किया था, जिसका ये सबूत है कि एमसी योगी गांधी जी से भी काफी ज्यादा इंस्पायर है। पर दोस्तों एमसी योगी अमेरिका के अकेले रैपर नहीं है जो अपने रैप सॉन्ग के माध्यम से सनातन धर्म को गर्व से रिप्रेजेंट करते हैं। मिलिए ट्रेवर हॉल से, एक फेमस अमेरिकन सिंगर, सॉन्ग राइटर एंड गिटारिस्ट और महान हनुमान भक्त नीम क्रॉली बाबा के सच्चे भक्त, इन्होंने सिंगिंग के अपने शुरुआती करियर में ही सनातन धर्म को अपने सच्चे दिल से अपना लिया था। दोस्तों ट्रेवर हॉल एक सच्चे अमेरिकन सनातनी और भारत के महान गुरु नीम क्रॉली बाबा के सच्चे भक्त हैं। इन्होंने अपनी छोटी सी 16 साल की उम्र में योग और मेडिटेशन के जरिए सनातन को अपने जीवन में उतार लिया था, और इन्होंने अपनी शादी भी हिंदू रीति रिवाज से भारत में ही की थी। और ट्रेवर ने अपने बेटे का नाम कैलाश रखा।
रखा है। दोस्तों ट्रेवर हॉल ने सनातन की संस्कृति पर बहुत सारे सॉन्ग्स गाए हुए हैं, जैसे हनुमान चालीसा, शिवा और योग और मेडिटेशन पर भी इन्होंने सॉन्ग्स गाए हुए हैं। और दोस्तों ये सनातन धर्म पर इतना ज्यादा गर्व करते हैं कि इन्होंने अपने शरीर पर संस्कृत के श्लोक के टैटूज और ओम के टैटूज भी बनवाए हुए हैं, जो सनातन धर्म को गर्व से रिप्रेजेंट करने के लिए बनवाए गए हैं। पर दोस्तों जब अमेरिकन हिंदू रैपर्स और सिंगर्स की बात आती है तो वहाँ पर राजा कुमारी का नाम जरूर आता है। दोस्तों मिलिए राजा कुमारी से, एक मोस्ट फेमस अमेरिकन रैपर, सिंगर और सॉन्ग राइटर, जो अमेरिका में सनातन संस्कृति पर बहुत सारे रैप सॉन्ग रिलीज कर चुकी है। राजा कुमारी का जन्म अमेरिका के कैलिफोर्निया में ही हुआ था, पर इनके पेरेंट्स का संबंध भारत के आंध्र प्रदेश से है। दोस्तों राजा कुमारी अपने इंग्लिश रैप सॉन्ग्स के माध्यम से अमेरिका में अपनी हजारों साल पुरानी सनातन संस्कृति को प्राउडली रिप्रेजेंट करती है। इनका मानना है कि हमारी हजारों साल पुरानी सभ्यता और संस्कृति के माध्यम से भी बहुत ही शानदार रैप किए जा सकते हैं, इसलिए इनके ज्यादातर इंग्लिश सॉन्ग हिंदू संस्कृति को प्राउडली शो करने के लिए होते हैं। जैसे इनके सॉन्ग्स के नाम होते हैं कर्मा, मास अपील इंडिया, बिंदीज एंड बेंगल्स, मीरा, बिलीव इन यू और आई डिड इट जैसे शानदार रैप, जिनको देखकर आपको काफी ज्यादा प्राउड फील होगा। पर दोस्तों दूसरी तरफ इंडिया में एमसी स्टैन जैसे डर्टी रैपर्स हमारे यूथ को गंदी भाषा का यूज करके प्रभावित कर रहे हैं, जिसके कारण आज ज्यादातर इंडियन यूथ ऐसे ही डर्टी रैपर्स को फॉलो करने लगे हैं, जो हमारे इंडियन कल्चर को पूरी तरह से नष्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसी ही यूनिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।